अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान स्किन सॉल्यूशंस। हमारे पास जब आपको जो भी हमने पोर्टल्स दिए हुए हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कुछ भी है, वेबसाइट है, उसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता चलता है, उससे अंदाज़ा होता है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है या कौन सा ऐसा इशू है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानना चाह रहे हैं। वाइटनिंग इंजेक्शंस एंड वाइटनिंग का जितना कुछ है, जितने ट्रीटमेंट्स हैं जो कि वाइटनिंग कर सकते हैं, उसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वाइटनिंग किस तरह से अचीव की जा सकती है, उसका क्या तरीका होता है या कितने मेथड्स होते हैं। अगर आपने पूरी फुल बॉडी का टोन जो है वो लाइटर करना है, जो आपका अपना रंग है उसी में आपने एक टोन या दो टोन्स लाइट होना है, लाइटर होना है, शेड को लाइट करना है या टोन को लाइट करना है, तो फिर उसके लिए हमें इंजेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि हमने कलर को कट करना है, टोन को कट करना है। आपने देखा होगा जहाँ जब आप कपड़ा रंगवाने जाते हैं, तो जो अगर आप उसके पास कोई डार्क कलर का कपड़ा ले जाएं, जैसे आप डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का दुपट्टा ले जाएं, कुछ भी ले जाएं मटेरियल, और आप उसको कहते हैं कि भाई ये तुमने मुझे बेज करके देना है, तुमने मुझे मस्टर्ड करके देना है, तुमने मुझे लाइट येलो कलर का करके देना है, कैसे करेगा वो? वो तो काला है, काला है या वो बहुत डार्क ब्लू है या डार्क ब्राउन है, कैसे करेगा? उसका ये तरीका होता है कि वो थोड़ा थोड़ा रंग कार्ड जो है वो ऐड करता जाएगा, ताकि फौरन से रंग कार्ड ज़्यादा ना हो जाए और कपड़ा ख़राब ना हो जाए, फट ना जाए। जब वो फट जाएगा तो फिर तो किसी भी कलर का हो हमारे काम का नहीं है। वो फटे भी नहीं, वो ख़राब भी नहीं हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा रंग कार्ड डालने की वजह से उस कपड़े का रंग जो है वो हल्का होता जाएगा, या जितना भी वो हल्का करना चाह रहा था वो हल्का कर लेगा, और फिर उसके बाद उसके अंदर वो दूसरा रंग शामिल करके उसके ऊपर वो चढ़ाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इसकी टेक्निक है। इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि हमें जो है वो बॉडी का वॉल्यूम या बॉडी वेट चाहिए होता है, ताकि हमें पता हो कि इसमें रंग को कट करने के लिए, काटने के लिए कितने इंजेक्शंस रिक्वायर्ड होंगे या कितनी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से मैंने आपको समझाया है उसी तरह से हमें आपके लिए भी बॉडी में कितना जो है वो रंग काट या कितना जो है वो हमें एजेंट या दवाई डालने की ज़रूरत है, वो डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना है। जितना आपका वज़न होगा उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि आपको कितने टीके और किस डोज के या किस स्ट्रेंथ के आपको टीके रिक्वायर्ड होंगे। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि ये दवाई क्या होती है। ये दवाई जो है ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसका मकसद जो है या जिसका इफ़ेक्ट हमारे अंदर जो है वो हेल्थ देना, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, आपकी जो है वो लाइफ और विटिलिटी जो है, एनर्जी जो है उसको ज़्यादा करना, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो वो फ्री रेडिकल्स को निकालता है, वॉश आउट करता है और आपको सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है और सेहतमंद रखता है, और कुव्वत मुदाफ़ियत का जो सिस्टम है उसको भी पहले से ज़्यादा बेहतर करता है, एनर्जी देता है। अब हमें उसका इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी दवाई जो है वो रंग को गोरा करने के लिए बनी नहीं है। तो हम कैसे करते हैं, ये क्या होता है? ये इस तरह से होता है कि हमने इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट लेना है। इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट जो है, मैंने आपको इफ़ेक्ट्स बोल के बताए हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो स्किन लाइटनिंग है, और हमें साइड इफ़ेक्ट लेना है। जब हमने किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट लेना होता है तो हम उसको जो सैंक्शनड डोज होती है, जो कि बताई जाती है कि ये आप इतनी देर में इतनी दे सकते हैं बॉडी के अंदर, हमें वो नहीं चाहिए, हमें उससे ज़्यादा चाहिए। जैसे अगर आप एक ब्रूफेन की गोली खाते हैं या एक आप पैरासीटामोल की गोली खाते हैं, तो उससे आपको इफ़ेक्ट तो आएगा, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा। साइड इफ़ेक्ट लेने के लिए आप ज़्यादा गोलियाँ खाएंगे, जितनी बताई गई हैं उससे ज़्यादा खा लेंगे, जैसे 6 खा लेंगे, 8 खा लेंगे, तो उससे साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी डोज जो है वो जितनी अलाउड डोज है उससे ज़्यादा कर दी है। इसमें भी यही चक्कर है, इसमें भी हमें एक एथिकल डोज तो रखनी होती है अकॉर्डिंग टू दी बॉडी वेट, लेकिन हमने उसको इतना यूज़ करना होता है या इतना बॉडी में देना होता है जिससे इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट आ सके।
अच्छा, जो नंबर ऑफ इंजेक्शन होते हैं, कितने टीके लगेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का वेट कितना है। जितना बॉडी का वेट होगा उसके हिसाब से पता चलता है। और जो इंजेक्शन की डोज होती है उस वो भी निकाली जाती है बॉडी के वेट के हिसाब से। अब हम आ जाते हैं कि क्या कहते हैं, इसके साथ भी कुछ करना पड़ता है। इसके साथ हम आपको खाने वाली दवाई भी देते हैं। वो दवाई जो है वो आपने टीके जो हैं वो आपके वेट के हिसाब से जितने बताएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। लेट सपोज 24 लगने थे, 26 लगने थे, 28 लगने थे, 30 लगने थे, वो हमने ख़त्म कर दिए। उसने रंग काट दिया, उसने रंग काट की तरह रंग काट दिया पिलाहट के साथ। अब जो हमने जो खाने वाली दवाई है वो हम पहले से दे रहे होते हैं, और खाने वाली दवाई जो है वो कम अज़ कम, वो भी बाय वेट डोज जो है उसकी निकालते हैं कि 500 मिलीग्राम देनी है, 1000 देनी है, 1500 मिलीग्राम देनी है, कितनी देनी है। और उसको देने का एक तरीका होता है, ख़ास टाइम होता है, उसी पे लेना होता है। वो जो है वो आपने 6 महीने खानी होती है। अब हम आ जाते हैं कि क्या इनको दोबारा लगवाना पड़ता है। रंग तो हमने काट दिया, इसको दोबारा नहीं लगाना पड़ता, टीकों को दोबारा नहीं लगाना पड़ता, बट जो आपकी मेंटेनेंस है वो खाने वाली दवाई की लो डोज से करनी पड़ती है। क्योंकि ये आपका रंग नहीं है, ये आपका रंग नहीं है, ये तो दिया गया है, तो उसको चला के रखना पड़ता है या मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए आपको ये रिक्वायर्ड होता है। और इसके साथ साथ जो है वो हम आपको जैसे फेस के ऊपर या जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं, हाथ, बाजू, फेस, नेक, इसके ऊपर लगाने के लिए सन प्रोटेक्शन भी बताते हैं, और रात को इस्तेमाल करने वाली वाइटनिंग क्रीम भी बताते हैं जो कि आप मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मैंने कोशिश तो बहुत की है कि मैं आप लोगों की क्वेरीज या आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे कर दूं, उनके जवाब दे सकूं, आपको समझा सकूं कि ये क्या है और इसको कैसे जो है वो अचीव किया जा सकता है और फिर इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है। आई थिंक सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी।